हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट में। और फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में चलिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये ऋण के तौर पर लिया। तो 10,000 जो ऋण के तौर पर लिया हुआ, हमारा क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हो जाएगा। ये 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और यह जो राशि है वह 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए लेता है। ठीक है, 3 साल के लिए, यानी कि टाइम मेरा कितना हो गया? 3 ईयर्स हो गया। 3 साल के लिए क्या कर रहा है? 10,000 रुपया 10% रेट पर 3 साल के लिए ले रहा है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, एसआई निकालिए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब कि पहले साल हुआ जो इसमें रेट कैसा लगता है कि मान लिया फर्स्ट ईयर 10% लगा, दूसरे साल भी इसका 10% ही होगा, तीसरे साल भी 10% हो जाए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 साल तक उसने इंटरेस्ट के रूप में कितना परसेंट पे किया? 30% पे किया। तो अब जब इसमें निकालने के लिए दिया हुआ हो कि इंटरेस्ट फाइंड करो, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 10,000 मेरा लिया हुआ मूल राशि था, प्रिंसिपल था, तो हम इसे लिख सकते हैं 10,000 का 30% कितना हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप ट्रेडिशनल तरीके से क्या पढ़े हम लोग, इंटरेस्ट का एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो पी की जगह पे क्या लिख दिए? 10,000 रुपया लिख दिए। उसके बाद आर की जगह पे कितना हो गया? 10% हो गया आर की जगह पे। और उसके बाद टाइम कितना हुआ? 3 ईयर दिया, अब बाई 100। ठीक है, इसे आप कैंसिल किए 2 जीरो, ये कितना हो गया? 3 हो गया, और 3 पर 3 जीरो, मतलब ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब कि जो हमने निकाला कि 3 साल में हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तो यही तो आरटी पे किया। आरटी पे किया कहने का मतलब आर मेरा 10% हो गया, 3 साल तक पे किया, यानी कि 10% पहले साल, तो दूसरे साल भी 10%, फिर उसके बाद अगले साल 10%, मतलब 10-10% करके हमने टोटल 30% पे कर दिया। तो ये जो 30% पे किया, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। इससे आप एक चीज ध्यान रखना कि प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा क्या होता है? 100% होता है। और ये जो एसआई के रूप में हम 30% पे किए, यह मेरा क्या हो गया? यह एसआई हो गया। ठीक है, ये मेरा 100%, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। और ये 30% जो हुआ एसआई हुआ। तो यहाँ से एक चीज और बनता है कि अगर अमाउंट निकालने की बात की जाए, तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया? इसे प्रिंसिपल प्लस क्या लिखते हैं हम? इंटरेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना? 100% है। और इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल 3 साल का? 30% इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट टोटल 3 साल का कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। यानी अमाउंट बोल सकते हैं कि 130% हुआ। बस यही चीज़ है। तो इसे ही जब अगर निकालना हो कि चलिए निकालना हो कि आप अमाउंट फाइंड करो, तो अमाउंट जब फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसी 10,000 का क्या करेंगे? 130% निकाल लेंगे। ठीक है, 130% निकाल लेंगे, 2 जीरो कैंसिल, ये 13, 130 पर 2 जीरो, मतलब अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये अमाउंट हो जाएंगे। इस तरीके से करके ये आपका हम सिंपल इंटरेस्ट को इस तरीके से करके थोड़ा इजी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, तो यही तो हो गया मेरा आरटी परसेंट हो गया, मतलब प्रिंसिपल का ये आरटी परसेंट हुआ, जो कि हमें क्या देगा? इंटरेस्ट। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। बस इस तरीके से करके थोड़ा इजी करके क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, या एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सेकेंड, इस तरीके से हम एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं। अभी तो पहले इंटरेस्ट निकाले, इंटरेस्ट निकालने के बाद फिर क्या किए? अमाउंट निकाल लिए। अगर मान लिए दिया हुआ हो कि किसी ने 5,000 रुपया प्रिंसिपल के तौर पे लिया, ठीक है, किसी ने उधार लिया, 5,000 रुपया प्रिंसिपल के तौर पर उधार लिया। ठीक है, और अब इसे बोल दिया कि ये हमने 4% पे लिया, कितने साल के लिए लिया? 5 साल के लिए लिया। तो यानी कि 4% करके 5 साल तक हमें कितना पे करना होगा? 20% पे करना होगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट अगर बोला जाए कि अमाउंट फाइंड करो, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 5,000 का, चूंकि ये मेरा कितना, ये 100% है, और ये कितना हो गया आपका? 20% इंटरेस्ट के रूप में हो गया। तो अगर अमाउंट की बात की जाए, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है,
और इंटरेस्ट आपका कितना है 20%, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 120% हुआ। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 5000 का 120% कितना होगा, ठीक है, 5000 का 120% कितना होगा। तो आप इसे कर लो 12 25 60 और 60 पर 20 आप और डाल दो, मतलब कि टोटल 1000 रुपये बढ़ जाएगा अमाउंट में, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल पर 1000 रुपये और एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब अमाउंट मेरा कितना हो गया 6000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से करके हम लोग थोड़ा सा छोटा करके इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से, पहला क्वेश्चन, एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 वर्ष बाद वह 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया, ऋण की मूल राशि कितनी थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12% वार्षिक दर पर वह साधारण ब्याज पर ऋण लिया 4 साल के लिए, यानी 12% कह दिया जाए 12% पहले साल, उसके बाद फिर 12 साल पहले साल नेक्स्ट ईयर, 12 12 साल 12 12% 4 साल तक वह दे रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट दे दिया, 12 6 48% उसने इंटरेस्ट के रूप में चुकाया, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में दिया। अब यहाँ कह रहा है कि टोटल धन जो है उसने 2442 रुपये दे करके ऋण चुका दिया, 2442 रुपये देकर ऋण चुका दिया। तो एक चीज आप देखो, मेरा प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 48% हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट होगा वह मेरा कितना परसेंट होगा 148% मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो अब यहीं से जब फाइंड करने के लिए दे दिया आपको कि राशि निकाले यानी 100% की वैल्यू निकालो, तो आप कितना लिख सकते हो 148% बराबर, ठीक है, 148% बराबर कितना दे दिया 2442। तो आपको यहाँ 100% फाइंड करना है, इसे आप काट लो 148 को, 148 को आप काटो, ये आपका 37 टाइम में कट जाएगा, 4 से आप इसे काट लो, 4 से काटोगे ये 37 टाइम में कटेगा और ये कट जाएगा आपका 25 6 100, ठीक है, ये फिर 37 से आप इसे काट लो 66 टाइम में काट लो, तो जो आपका आंसर होगा 1650 आपका 66 में 25 से, एक सेकेंड, 66 में 25 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1650 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल के रूप में होगा, ठीक है, यही मेरा जो 1650 होगा क्या होगा या प्रिंसिपल हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से करके ये बनेगा बहुत इजी तरीके से, शॉर्ट हम इसे शॉर्ट इसे कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 2/5 हो जाएगा, कितने प्रतिशत दर से। यहाँ टाइम दे दिया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, टाइम यहाँ दे दिया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 ईयर में आपका जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये 2/5 जो हो जाएगा ना, इस फ्रैक्शन को मैंने बताया है कि इस फ्रैक्शन को जिसके साथ भी रिलेट किया जाएगा, जैसे यहाँ के क्वेश्चन में बोल दिया मूलधन का 2/5 हो जाएगा, तो जिस भी कंटेंट के साथ फ्रैक्शन को रिलेट करेगा ना, तो वो जो कंटेंट है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, यानी यहाँ मूलधन के साथ प्रिंसिपल के साथ रिलेट किया गया था, तो प्रिंसिपल जो है मेरा वो 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका कंटेंट क्या मिल गया, 2 हो गया इंटरेस्ट के रूप में, 5 हो गया प्रिंसिपल के रूप में, और ये आपका टाइम, सॉरी यहाँ परसेंट मैंने लिखा, टाइम जो है आपको कितना दे दिया 10 ईयर दे दिया। तो अब यहाँ से आप सबसे पहले क्या कर लो, रेट फाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि रेट फाइंड करने के लिए दिया है, तो आप क्या करो, फॉर्मूला रेट का क्या होता है, रेट का एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाई क्या कर लेंगे पीटी लिख देंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे वो बताएंगे, कैसे फॉर्मूला आ जाएगा ये तो ये बताते हैं, एक सेकंड, इसे क्या करेंगे इंटरेस्ट के जगह पे हम क्या रख लेंगे, ये 2 रख लेंगे, 2 × 100/5 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल 5 हो गया, इंटू क्या करेंगे 10 कर लेंगे, ये देखो 10 5 50 हुआ, 50 से इसे काटो 50 × 100 यानी 4% जो होगा मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 4%
रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल में कोई धन जो है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे लाए, तो देखो ये आपका जो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का एक जो फॉर्मूला होता है PRT/100, इसी से हम दो तीन चार को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से आप P निकाल सकते हो, यहाँ से आप R फाइंड कर सकते हो, इससे आप T फाइंड कर सकते हो। सपोज P फाइंड करना, तो P फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर SI दे रखा है तो SI को इधर 100 को SI के पास ले जा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 100, सॉरी I × 100 हो जाएगा, बाई RT जो है ना आपका इधर आ करके इधर इधर बाई में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, RT लिखेंगे। बस इस तरीके से करके आप यहाँ से R भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से T भी फाइंड हो जाएगा। ये तो पढ़ा हुआ आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए इस तरीके से करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए गाइस आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो जाता है। साधारण ब्याज जो है वह क्या है, मूलधन के 30% के बराबर होता है, कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा। यहाँ दो कंडीशन दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई धन जो है 6 वर्ष में कितना परसेंट हो जा रहा है, कोई धन नहीं सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का 30% हो जा रहा है। यानी कि मूलधन अगर मेरा मूलधन अगर 100% रहेगा तो इंटरेस्ट जो है वो 30% हो जा रहा है। यानी यहाँ दे रखा है कि 6 वर्ष में, 6 ईयर में, 6 ईयर में इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट हो जा रहा है, 30% हो जा रहा है। किसके भाई, तो प्रिंसिपल के, ठीक है, प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल अगर मेरा 100% है तो 100% अगर प्रिंसिपल है तो उसका 30% हो जा रहा है 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है, टाइम निकालेंगे। तो अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ 30% इंटरेस्ट के रूप में आ गया, तो वो फॉर्मूला पर आ जाओ, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई क्या लिखेंगे, PT लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट फाइंड करेंगे, PT लिखेंगे। तो इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 30 हो गया, 100 के क्या हो गया मेरा, 30 × 100 बाई प्रिंसिपल कितना हो गया, 100% हो गया, और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। तो आप ये 100 से 100 कैंसिल और ये 6 × 35, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो सारा ये जो 30% इंटरेस्ट जो हो जा रहा है आपके 100% के 100% का 30% अगर इंटरेस्ट हो जा रहा, तो इस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग गया 5% का, ठीक है। अब यहाँ हो गया ये चीज। अब इसी में क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन पूछा कि कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, अगर मूलधन 100% है तो कितने साल में यह साधारण ब्याज जो है मूलधन का 100% हो जाएगा, मतलब 100% मूलधन भी और 100% इंटरेस्ट भी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, रेट आपका निकल गया यहाँ से 5% निकल गया, इंटरेस्ट कितना बोल रहा है आपका कि 100% हो जाएगा, किससे, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल 100% है। तो यहाँ पर टाइम फाइंड करने के लिए बोला तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरेस्ट इंटू 100, तो इंटरेस्ट कितना 100% है इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल भी मेरा 100% है, प्रिंसिपल ये 100% है, इंटू किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसे आप काटो 20 टाइम में, यानी कि 20 वर्ष में क्या होगा, वह धन जो है साधारण ब्याज जो है ना मूलधन के 100% के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करके ये क्वेश्चन बनेगा, या दो टर्म में बनेगा, दो कंडीशन में बनेगा, ठीक है। पहले टर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले रेट निकालेंगे और दूसरे टर्म में क्या करेंगे, फाइनली टाइम निकाल लेंगे कि कितने साल में वह धन SI जो है आपका प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ये आपका सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको कि किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन जो है 5180 रुपये हो जाता है, तो वह धन फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 12% और टाइम कितना दे दिया 4 साल में, ठीक ना, 4 ईयर्स में धन कितना हो जाता है 5180 हो जाता है, यानी कि अमाउंट कितना दे दिया 5180 जो है आपका अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइंड करने के लिए दे दिया आप प्रिंसिपल फाइंड करो, तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है लगातार 4 साल तक दे रहा है, पहले साल 12%, फिर अगले साल 12%, फिर उसके बाद 12%,
यानी ओवरऑल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, 1248% इंटरेस्ट दिया, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट के रूप में कितना हो गया, 48% हो गया, और प्रिंसिपल हमेशा मेरा 100% होता है, तो अगर प्रिंसिपल 100% यहाँ ऐड कर दे तो अमाउंट ये मेरा कितना हो गया, अमाउंट 148% हो गया, 148% हो गया, तो यही तो मेरा अमाउंट जो है 148% के बराबर। तो इसे आप ऐसे कर लो, 148% बराबर हम कितना लिखेंगे, ये 5180 अमाउंट जो है मेरा 148% है वह 5180 है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए दिया, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 100% निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर इसे आप काटो, 4 से आप काटो, ये 37 टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। ये 37 से अगर 5180 काटेंगे तो ये 140 टाइम में कटेगा, 140 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो मेरा 100% हुआ कितना था, 3500 रुपये थे, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बस इस तरीके से करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो आपका एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल अगर मेरा 100% है या x आप बोल सकते हैं, तो इंटरेस्ट जो है वो कितना बोल रहा है, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर 100% है तो 300% हो जाएगा, या फिर आप 3x बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ दे दिया कि टाइम 10 साल में 10 ईयर्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये चीज़ें हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, इंटरेस्ट इन 200 बाई क्या लिख सकते हैं, पीटी लिख सकते हैं। अब इंटरेस्ट मेरा कितना है, इंटरेस्ट चूंकि बोल रहा है, एक चीज आप देखो, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, धन आपको 3 गुना होने का बात किया, यानी कि प्रिंसिपल जो है वह मेरा x है, तो वह 10 साल में कितना 3 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब अमाउंट के रूप में ये 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे आई न लिख करके अमाउंट लिखेंगे कि अमाउंट मतलब x से वो 3x हो जा रहा है, मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा कितना होगा, 2x जो होगा मेरा डिफरेंसेस होगा, जो कि मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट के रूप में होगा। तो इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, इंटू क्या करेंगे, 100, बट पी मेरा कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, इंटू कितने टाइम में ये ऐसा था, 10 ईयर में था, टाइम दे देंगे, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 20, यानी कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई प्रिंसिपल जो है वह 10 साल में कितना 3 गुना हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 20%, ठीक है गाइस। इस तरीके से करके हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा लेवल को बढ़ा करके, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ठीक है, फिर इतना ही क्वेश्चन था, तब तक के लिए बाय।